कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम आए हैं आरोही दीदी के घर, जो मेरी तरह डिसेबल हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर। आपका नाम मुझे? मेरा नाम आरोही है। ये खोया है आपका डॉल? हाँ, फोटो दिखा दो। कब से गा रही? 10 फरवरी से। दीदी हमें अपने डॉगी के बारे में बता रही थी जो मिसिंग हो गया, और उनकी ना कंप्लेन लिखी जा रही ना कुछ सुनी जा रही, और सोसाइटी वालों ने इनकी कार की चाबी अपने अंकल विधायक जी से कह करके कुछ हेल्प कराएंगे क्या? पता नहीं मार दिया क्या चूसे वकील साहब से, कोई कुछ नहीं बता रहा। और कैसे मदद कराएंगे? बेचारियों को इतना परेशान कर रखा है, इतने नेगेटिव लोग रहते हैं सोसाइटी में बहुत ज्यादा। आप खुद सुने वो क्या कह रही है। आपको किसी में शक है? सोसाइटी वालों ने मुझे मार दिया। क्यों? ये कुत्तों को पसंद नहीं करते, खाना खिलाने से मना करते हैं। कोई मिल गया उनको तो फिर वो गार्ड से बोल के हटवा लेते हैं, मरवा देते हैं। तो डॉग से क्या प्रॉब्लम है? उनको कुछ कह रहा था? दूसरे लोग बोलते हैं ना आसपास वाले कि डॉग ज़्यादा है, हमारे बच्चे को फील वो लगता है कि काटेंगे, इससे अच्छा हटा लो। काटेगा जब तो परेशान करेंगे उसको, बेवजह थोड़ी काटेगा। उनके हिसाब से कि और वो खाना खिलाने भी नहीं देते ना, मैं थोड़ा सा बात खाना खिला देती हूँ। मैंने एक डिब्बे में रखा था कि उसके बच्चे बहुत हैं डॉग के, वो सो नहीं पाते ठीक से, तो उनको ठंडी में मैंने एक वो लगाया था ड्रम, जिसमें वो आराम से गद्दा लगा के सो सके। तो वो भी मना करते कि नहीं रखना, उनको खाना नहीं देना, उनको जंगल ही देना, आसरा नहीं देना। क्राइम है सोसाइटी में, नहीं चलेंगे सब, भाग करो अपना, रोड पे जाके करो। रोड पे रखेंगे तो कोई ड्रम को उठा के ले जाएगा, बच्चों कहाँ जाएंगे, वे आ रहे हैं सोसाइटी में। तो आप कंप्लेन करने गई थी? मैं कंप्लेन लेने, बोलती मैडम ऐसे ही हो गया होगा, किसी ने फेंक, खुद ही भाग गया होगा, ऐसे से बोल रहे। जबकि वो 2 साल की होने को आ गई थी, इस महीने उसका बर्थडे भी था, कि किसी ने भगा दिया होगा, डॉगी ने भगा दिया होगा, जंगली आसपास है, ऐसे बोला है। जबकि फुटेज में सुनाई दे रहा है सीसीटीवी में कि इसको हमने खदेड़ दिया है, और कहीं हमारा नाम ना आ जाए। और उल्टा सीधा गार्ड दोनों आपस, 2-3 गार्ड हैं जो डिस्कस कर रहे थे कि हमें हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, तुम देख लेना। हमें तो बोला था कि ऐसे ऐसी बातें उसे सीसीटीवी में दिख रही हैं, पर ये मान नहीं गई पुलिस भी। बस आपने फुटेज नहीं दिखाई उन्हें? देखी मैंने खुद भी, पर ये उन्होंने दिखाई पुलिस वालों को? बोला था, बोले हम देखते हैं जांच करते हैं, मैडम क्या पता किसी और का भी डॉग ऐसे खोया, कोई उठा के ले गया, डॉग ही तो है डॉग, ऐसी बोल के आनाकानी कर रही है। 10 फरवरी को मैं गई थी, बोले पहले किसान रैली है, हम वहाँ बिजी हैं, हम कुत्ते का कंप्लेन ले या इंसान का ले, या इंसान मर जाते हैं, उनको कुत्तों का कंप्लेन ले कराई, वो ऐसे से बोल रहे हैं। मैं वैसे फुटेज लेने के लिए मेंटेनेंस ऑफिस गई, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी कि मेरे को मुझे फुटेज दो, तो मेरी गाड़ी की चाबी भी वो बैग में से निकाली उन्होंने। तब से मेरी गाड़ी 12 तारीख से, मुझे तो पहले लगा कि शायद मेरा डॉग इधर उधर घूम गया होगा। फुटेज में जब मैंने देखा, कन्फर्म हो गया कि इनके गार्ड्स ने कुछ किया है, कि आपने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने मेरी चाबी घुमा दी कि इधर उधर चक्कर ना काटे, परेशान करने के लिए, कि उनकी कंप्लेंट ना करें कहीं पे। हमारे विधायक है हमारे अंकल, आप उनको लेटर लिख दीजिए, आपके 100% सुनेंगे, वो सबके सुनते हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं हमारे। मैं कोशिश करूँगी, पर जो मुझे अपनी सिचुएशन से झेलना पड़ रहा है, मुझे ये लगता है कि ये मुझे टिकने नहीं देना चाहती, ये लगता है कि मैं हरियाणा की। फिर दीदी के कजिन ब्रदर ने हमें नाश्ता करवाया। परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। Thanks for watching. Bye bye.